और बात झारखंड की, झारखंड चुनाव के लिए कांग्रेस के 3 समन्वयक नियुक्त किए गए हैं। बीके हरिप्रसाद, गौरव गोगोई कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं, मोहन मारकाम को भी जिम्मेदारी दी गई है। यह तो कांग्रेस और जेएमएम के बीच सीट शेयरिंग लगभग तय मानी जा रही है। सूत्रों के मुताबिक कुल 81 विधानसभा में जेएमएम सबसे ज्यादा 43 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पिछली बार भी वो इतनी ही सीटों पर लड़ी थी। कांग्रेस को 29 सीटें मिलने की संभावना है। पिछली बार उसके खाते में 30 सीटें गई थी, यानी इस बार उसकी 2 सीटें कम हो गई हैं। आरजेडी को 5 सीटें मिल सकती हैं, पिछली बार की तुलना में उसकी भी 2 सीटें घट गई हैं। ये सीटें इसलिए कम हुई हैं क्योंकि इस बार गठबंधन में नया सहयोगी दल CPI-ML है, जिससे 4 सीटें दी जा सकती हैं। पिछली बार CPI-ML अलग चुनाव लड़ी थी ये पार्टी, लेकिन इस बार गठबंधन में साथ है और यही वजह है कि 4 सीटें उसके लिए भी तय की जानी है। तो ये झारखंड को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। और देखिए, झारखंड विधानसभा चुनाव की बात करें तो कांग्रेस के 3 समन्वयक नियुक्त किए हैं गए हैं, जैसा कि हम आपको बता भी रहे हैं। ये नाम देखिए, वीके हरिप्रसाद, गौरव गोगोई और मोहन मरकाम, जिन्हें समन्वयक के तौर पर, कोऑर्डिनेटर के तौर पर नियुक्त किया गया है। अहम जिम्मेदारी इनको दी गई है झारखंड चुनाव को देखते हुए। चलिए बढ़ते हैं, रुख करते हैं कुछ और खबरों का। भारत में न्याय की देवी की नई मूर्ति, जी हां, न्याय की देवी की आंखों से पट्टी उतर गई है। संविधान की जगह अब न्याय की देवी के हाथ में तलवार है, हालांकि तराजू अभी भी है न्याय का प्रतीक। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से ये बड़ा बदलाव हुआ है। अगर भारत के न्याय व्यवस्था में कहा जाए तो न्याय व्यवस्था के एक बड़े प्रतीक के तौर पर न्याय की देवी की मूर्ति को माना जाता था, लेकिन अब इसमें एक बदलाव। सबसे पहले आंखों की पट्टी हटा दी गई है और हाथ में तलवार की जगह संविधान दिया गया है, और तराजू जो था वो पहले से ही था। अब आपको हम जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, 2 तस्वीरें, एक तस्वीर तो अब की, यानी पट्टी हटा दी गई है, हाथ से तलवार हटाकर संविधान उसमें रखा गया है, और पहले की जो तस्वीर है आप देखिए, न्याय की देवी की आंखों पर पट्टी बंधी रहती थी, हाथों में तलवार रहता था और तराजू रहता था। ये 2 तस्वीरें न्याय की देवी की मूर्ति। तो न्याय की देवी की खुली हैं आंखें, जी हां, सुप्रीम कोर्ट के जजों की लाइब्रेरी में लगाई गई है ये प्रतिमा, और देवी के हाथ में अब तलवार के बजाय संविधान है। भारत की न्याय की देवी की आंख खुली हुई है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के निर्देश पर यह बदलाव हुए हैं। प्रतिमा में किए गए बदलाव अभी लागू नहीं हुए हैं, कुछ महीने पहले ही बदले गए थे अंग्रेजी शासन के कानून। न्यायपालिका में भी नया रंग रूप अपनाने की कवायद है, और CJI DY चंद्रचूड़ के मुताबिक कानून अंधा नहीं हो सकता। भारत का कानून सबको समान रूप से देखता है। जहां तो कानून अब अंधा नहीं, न्याय की देवी, न्याय की देवी की जो तस्वीर है, जो मूर्ति है, वो काफी बदल गई है। तो क्या था पहले और क्या है अब, वो हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से ये बड़े बदलाव किए गए हैं। तो न्याय की देवी जो है वो उसके प्रतीक की मूर्ति ये जो है उसकी हम बात करें तो देखिए पहले क्या था। पहले तराजू था हाथ में और वो तराजू अभी भी है, साथ ही लेकिन तलवार हाथ में, दूसरे हाथ में, और आंखों पर पट्टी बंधी रहती थी न्याय की देवी के प्रतीक की मूर्ति में। अब क्या हो गया है, बदलाव क्या हुआ है? तो वेशभूषा में बदलाव किया गया है, आंखों से पट्टी हटा दी गई है, और तर्क ये है कि भारत में न्याय की देवी सबको बराबर नजर से देखती हैं और तलवार की जगह संविधान की कॉपी, यानी कि संविधान पकड़ाया गया है। तो न्याय की देवी और इसका इतिहास जरा भी समझिए कि पूरी हिस्ट्री क्या है, यह परंपरा कैसे रही है। सबसे पुराना रूप मिस्र की देवी माट में दिखता है, जी हां, ये सबसे पुराना रूप है न्याय की देवी की मूर्ति की हम बात करें तो। और माट के प्रतीक में पंख का इस्तेमाल होता था। रोमन सभ्यता में जस्टिशिया को न्याय की देवी कहा जाता था, और जस्टिशिया की छवि में क्या रहता था, तराजू, तलवार, आंखों पर पट्टी बंधी रहती थी। यह न्याय की निष्पक्षता और तटस्थता का प्रतीक हुआ करती थी, और वहीं से यह मूर्ति न्याय के प्रतीक के, न्याय की देवी के प्रतीक के तौर पर भारत भी ट्रैवल करके आई। लेकिन अब इसमें एक अहम बदलाव कर दिया गया, भारत की अपनी संस्कृति और सभ्यता और न्याय की परिकल्पना के हिसाब से।